वेदन करता हूं, द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, ये अपनी कविता प्रस्तुत करें। भाई संयम जैन गुड़ाचंद। हेलो, परम आदरणीय छोटे दादा के चरणों में शत शत नमन करता हूँ, इस गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ और आप सभी सुधीर श्रोताओं को, भावी सिद्धों को जय जिनेंद्र। मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज एक ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बोलने का मौका मिला है जिनकी उपस्थिति मात्र से ही ये मंच, ये सभा, ये पूरा पांडाल, ये पूरा सदन अपने आप में गौरवान्वित होता है। तो मैं चाहता हूँ बड़ जोरदार तालियों के माध्यम से आदरणीय छोटे दादा का अभिनंदन करें। मैं चार पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, एक मुक्तक है, उससे अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि हम अपनी लेखनी से आपके वर्णन में लिखते हैं, आनंद मिले, कि हम अपनी लेखनी से आपके वर्णन में लिखते हैं, हमें अपनी ही निष्ठा और सत्कर्तव्य दिखते हैं। गुरु हमें अपने ही अंदर आरुणी एकलव्य दिखते हैं, हमें अपने ही अंदर आरुणी एकलव्य दिखते हैं। पिछले दिनों आदरणीय पीयूष जी भाई साहब ने एक बात कही थी, जब परमागम ऑनर्स का कोई एक प्रोग्राम था तो उन्होंने कहा था कि दादा के वक्तव्य से पहले कि दादा आपको कौन सी उपमा दी जाए, मुझे अतिशयोक्ति का अपराधी ना माने ये लोग, मैं एक बात कहूंगा कि दुनिया में ऐसे कोई उपमान है ही नहीं जिनसे दादा को, जिनसे दादा की तुलना की जा सके। मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हम जब भी दादा, हम जब भी आपके उपकारों को शब्दों में ढालने का प्रयास करेंगे, आपके व्यक्तित्व को छोटा करने का अपराध हमसे हो जाएगा और ये अपराध का भागी मैं अपने आप को नहीं मनाना चाहता। मैं चार पंक्ति और समर्पित करता हूं आदरणीय दादा के लिए, सुनिएगा। कि जिन्होंने ज्ञान का दीपक सदा दिल में जलाया है, जिन्होंने ज्ञान का दीपक सदा दिल में जलाया है, जिन्होंने धर्म रूपी रथ को नित आगे बढ़ाया है, धवल वस्त्र जिन्होंने हम अबोधों को पकड़ अंगुली चलाया है, जिन्होंने हम अबोधों को पकड़ अंगुली चलाया है। कल इंटरव्यू में दादा ने कहा था कि जब वो बहुत ज्यादा बीमार थे तब भी वो कुछ ना कुछ लिखते ही रहते थे, कुछ ना कुछ चिंतन उनका चलता ही रहता था। तो मेरी ये अंतिम कविता उसी के ऊपर है, सुनिएगा, एक छोटी सी रचना है, सुनिएगा आप, आनंद लेना, सुनिए। कि माँ जिनवाणी के एक सपूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, शब्दों को समझना, कि माँ जिनवाणी के एक सपूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, जिनकी रचनाएं अप्रमेय, हर मंदिर में हर गेह गेह, हो समय सार के यश गायक, निज आत्म ख्याति के चिरनायक, जिनकी मृदुता जिनका स्वभाव, हम सब पर है जिनका प्रभाव, जिनकी वाणी है ज्ञान दान, जिनसे परिभाषित तत्व ज्ञान, जिनकी वाणी में ओज प्रबल, सुनकर हिल जाए मंच सकल, जिनकी वाणी में ओज प्रबल, सुनकर हिल जाए मंच सकल, तो भावना जब तक प्रखर है लेखनी चलती रहेगी, लेखनी चलती रहेगी, लेखनी चलती रहेगी, दोगली हर शक्ल परिये श्याम रंग मलती रहेगी, लेखनी चलती रहेगी, लेखनी चलती रहेगी, रोज आएगा सवेरा सांझ फिर ढलती रहेगी, लेखनी चलती रहेगी, लेखनी चलती रहेगी। और अंतिम चार पंक्तियां कहकर मैं अपनी जगह लूंगा, ये हम सभी की भावनाएं हैं लेकिन हम शब्दों में हो सकता है बयां नहीं कर पाते, मैंने चार पंक्तियां लिखने की कोशिश की, सुनिएगा, बहुत साधारण सी पंक्तियां हैं, आपको अच्छी लगे तो वाह कीजिएगा। कि विरोध जो अब तक हुआ अब बंद होना चाहिए,
विरोध जो अब तक हुआ अब बंद होना चाहिए, व्यर्थ के आलाप का स्वर मंद होना चाहिए। अरे मिथ्यात्व की चादर में मदहोश है ये दुनिया। अब चौथी पंक्ति आपको लगे कि मैंने थोड़ा ठीक लिखा हो तो आगे से लेके पीछे तक इस पूरे पांडाल में तालियों का महोत्सव करना कि विरोध जो अब तक हुआ अब व्यर्थ के आलाप का स्वर मंद होना चाहिए। अरे मिथ्यात्व की चादर में मदहोश है ये दुनिया। अब जिनवाणी मां का बच्चा बच्चा हुकुम चंद होना चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।